सिंगरौली में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अमृत जल योजना के तहत सीवरेज का काम कर रहे के स्पंदन कंपनी में कार्य के दौरान बड़ा हादसा हुआ, जहां एक व्यक्ति की काम करते वक्त गड्ढे में गिरकर दबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है बिलौजी निवासी युवक सुधीर शर्मा गड्ढे में पाइप को ज्वाइंट करने के लिए घुसा था, उसी समय मिट्टी स्लाइड कर गिर गई, जिसकी वजह से सुधीर शर्मा गड्ढे में दब गया और युवक की मौत हो गई, जिसको लेकर स्थानीय लोगों और परिजनों में भारी आक्रोश है। बताया जा रहा है कि युवक को गड्ढे में दबने की खबर मिलते ही के स्पंदन कंपनी के कर्मचारियों ने युवक को बचाने का प्रयास करने के बजाय वहां से भाग खड़े हुए। परिजनों ने कहा कि कंपनी द्वारा सुरक्षा का कोई उपकरण नहीं रखा गया था, यदि समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन चला देते तो युवक की जान बचाई जा सकती थी। इस घटना के बाद जिले की कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। वहां पे पाइपलाइन का कार्य कर रहा था, पाइप बैठा रहा था, वहां पे पाइप बैठाने के लिए नीचे गया हुआ था, जो कि नीचे ऊपर से मिट्टी फिर नीचे गिरने लगी, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पाया और मिट्टी की चपेट में आके वह उसकी मृत्यु हो गई। काम करने गया था घर से और जब उनका हादसा हुआ तो लड़का हमको फोन किया कि फूफा जी भैया दब गए मिट्टी में। तो हम रिलायंस में थे, वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ गए देखे तो लड़का दबा हुआ है। खोदा गया, खोदने के बाद लड़के की हेलमेट दिखाई दिया, उसके बाद थोड़ा से हाथ से हटाए मिट्टी की लाश दिखाई दिया। किसकी लापरवाही है ये जो आज? कंपनी की लापरवाही है सर। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।